हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे को फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हम डिस्कस करेंगे हमारे टेस्ट पेपर के ऊपर। आज आपका एक नया टेस्ट पेपर आज अपलोड कर दिया गया है, जो है आपका टेस्ट नंबर 2 छत्तीसगढ़ एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इस छत्तीसगढ़ एवं भारतीय अर्थव्यवस्था वाले टेस्ट पेपर में क्या क्या टॉपिक शामिल किया गया है उस पर मैं आपको थोड़ा सा एक समरी बता दूंगा, साथ ही साथ इसे डाउनलोड कैसे करना है उसे एक फटाफट उसका प्रोसेस भी बता दूंगा। इसके अलावा जो हमारा पुराना टेस्ट पेपर था, टेस्ट नंबर 1 छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, जो 100 क्वेश्चन का एक मैंने टेस्ट पेपर डाला था, उसमें आप लोग के डाउट्स आए, थोड़े बहुत डाउट्स आए, उस डाउट्स पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने डाउट साइड में लिख रखा है, इस पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक, कुछ देखिए, मैंने अपने हर जो पिछला जो हमारा टेस्ट पेपर आया है उस टेस्ट पेपर में भी, तथा एक जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में भी मैंने अपना एक नंबर दे रखा है। उस नंबर पर यदि आपको डाउट है तो आप उसमें व्हाट्सअप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, जैसे आज एक ठोक आप जो भी पर्सनल डिटेल उसमें पूछे जा रहे हैं फॉर्म फिलअप करते टाइम, उसमें आप अपना ईमेल आईडी एकदम एग्जैक्ट डालिए। इस बार मुझे कई ईमेल आईडी ऐसे मिले जो कि उसमें कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट ईमेल आईडी था, जिसके कारण आपके पास आंसर की नहीं पहुंच पाया। क्वेश्चन पेपर तो आप डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन आपको जो आंसर की है आपके ईमेल आईडी पर मैं सेंड कर रहा हूँ। तो 2-3 ऐसे थे कि जिनको नहीं मिल पाया उनका आंसर की। तो देखिए, जिनको आंसर की मिला उनको ठीक, जिनको नहीं मिल पा रहा है आंसर की, वो जाकर के हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से जाकर के कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक, जिस रोज जैसे आज आपका टेस्ट पेपर डाला हूँ तो कल के डेट में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो टेस्ट पेपर आपका डलता है उसके तुरंत 1-2 घंटे के बाद आप आंसर की का डिमांड मत कीजिएगा। आंसर की मिलेगा आपको 1 दिन बाद, कल आपको आंसर की इसका मिल जाएगा। फेसबुक पेज में भी अपलोड करूंगा, टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड करूंगा, और जो डाउनलोड कर रहे हैं उनके ईमेल आईडी में भी पहुंच जाएगा। लेकिन 1 दिन का समय दीजिए, जो प्रश्न बन रहे हैं उन्हें हल कीजिए, जो नहीं बन रहे हैं उन्हें अपने स्तर पर ढूंढने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं हर बार बोलता हूं आपको, अपने स्तर पर जो भी चीज ढूंढ करके आप उसका उत्तर ढूंढेंगे वो चीजें आपको ज्यादा समय तक याद रहेगी। ठीक, तो चलिए, जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट पेपर है टेस्ट नंबर 2, ये है आपका छत्तीसगढ़ एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पे। इस पर आपका 100 क्वेश्चन का यह सेट है। इस पर मैंने जो टॉपिक कवर किया है यह है आपका छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18, छत्तीसगढ़ बजट 2018-19, भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18, केंद्रीय आम बजट 2018-19। ये चार टॉपिक पर मेन फोकस करके ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है। एक डाउट जो आप लोग हमेशा रहता है कि इस बार के पीएससी में ये जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 से प्रश्न आएंगे कि नहीं, आपको बता दूं, यदि आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न आना हुआ तो आपके इसी आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 से आएंगे। आपका जो नया आर्थिक सर्वेक्षण है वो अभी आपके न्यू ईयर के समय आपका जनवरी एंड में या फरवरी में वो आएगा, तो इतने कम समय में आपके उस नए वाले आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न बनने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो आर्थिक सर्वेक्षण, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये टेस्ट पेपर से आपके क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यदि आप तैयारी कर रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण का तो आप आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के ही डाटा पढ़िए फिलहाल। ठीक, तो ये जो चार टॉपिक मैंने कवर किए हैं, ये चार टॉपिक है, अभी तक जिस प्रकार के पीएससी और व्यापम प्रश्न पूछते आ रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण वाले टॉपिक से, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का यह एक कलेक्शन है। लेकिन वो अब हो गया है, जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर वाले थे उसमें तो पुराने आंकड़े दिए हुए, तो ये जो क्वेश्चन भले पुराने हैं लेकिन इसे नवीनतम आंकड़ों के साथ इसमें पूछा गया है, तो इसे सॉल्व कीजिएगा। इसी प्रकार का पीएससी और व्यापम ने इसी ट्रेड में क्वेश्चन पूछा है, तो इसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक, इसके साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण डाला है, छत्तीसगढ़ बजट डाला है, भारत आर्थिक सर्वेक्षण डाला है, और केंद्रीय आम बजट 2018-19 डाला है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे ट्रेडिशनल क्वेश्चन डाले हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी थ्योरिटिकल पोर्शन, जो आपके इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन से, जो भारतीय अर्थव्यवस्था से जो थ्योरिटिकल पोर्शन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं पीएससी और व्यापम में, उसके भी प्रश्न आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, तो ये सारे के सारे मैंने इसमें 100 क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार किया है। देखिए, आपको एक बार फटाफट बता देता हूं कि इसे डाउनलोड कैसे करना है। वैसे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन क्या है, हमारे सब्सक्राइबर अभी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो कई नए सब्सक्राइबर भी होंगे जिनको ये प्रोसेस पता नहीं होगा, एक बार आपको जल्दी से बता देता हूं। देखिए, जो आपका स्क्रीन पर आप जो देख रहे होंगे, साइड स्क्रीन पे आपका सारे का सारा प्रोसेस चलेगा, वहाँ पर देखिए, ये जो प्रोसेस है पुराने वीडियो का ही है, लेकिन इससे भी आप सेम इसी में भी फॉलो कीजिएगा। देखिए, जो हमारा वीडियो जैसे ये आप देख रहे हैं, उस वीडियो के नीचे में आपको मिलेगा एक नीचे तरफ
ट्रायंगल बना हुआ, एक ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल बना हुआ दिखेगा, आप उस ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुलेगा। उस डिस्क्रिप्शन पे देखिए नीचे ही मैंने डाल रखा है इस क्वेश्चन पेपर का लिंक। इस क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको यहां से भी मिल सकता है। इसके साथ साथ जो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट जो रहेगा वो इस क्वेश्चन पेपर का लिंक ही रहेगा, आप इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर के डाउनलोड में पहुंच जाएंगे। देखिए जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा, ये सीजीपीएससी ई पाठशाला का ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे देखिए नीचे तरफ आपका बाय नाउ का ऑप्शन है, जैसे ही आप इस बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपसे आपका पर्सनल डिटेल पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, ईमेल आईडी पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा। आपको तीनों को फटाफट फिल कर देना है, ईमेल आईडी करेक्ट डालिएगा, ठीक, मोबाइल नंबर डाल करके आपको 25 रुपीज़ लिख करके अपडेट करना है। जब तक अपडेट नहीं करेंगे तब तक आप आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, अपडेट कीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए आपके पास पेमेंट का ऑप्शन है, यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग वॉलेट है। देखिए मैं वॉलेट से कर रहा हूँ पेमेंट, जैसे मैं वॉलेट पे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरे पास नेक्स्ट इंटरफेस आया, फिर मैं फ्री चार्ज को कलेक्ट करके प्रोसीड कर दूंगा। जैसे ही प्रोसीड करूंगा तो देखिए उसके बाद मेरे पास ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करके मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक। देखिए जैसे ही कंटिन्यू करो किया उसके बाद सेकंड इंटरफेस आएगा जो कि कंफर्मेशन रहेगा पेमेंट कंफर्मेशन का, फिर मैं पे टू 25 रुपीज़ फ्री चार्ज बैलेंस, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इस वाले पोर्शन को कई लोगों ने स्किप कर दिया है, इस पोर्शन में डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको डाउनलोड किए बगैर इससे आगे मत बढ़िएगा। कई लोग के मैसेज आए थे कि हमने पेमेंट कर दिया लेकिन डाउनलोड वाला पोर्शन स्किप हो गया है, तो देखिए यहाँ पे पेमेंट करने के बाद यहाँ पे रुके रहिएगा, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से आप ये पूरा क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कीजिए और इसे सॉल्व कीजिएगा। 3 घंटे का समय, जब कभी भी आप फ्री है, जरूरी नहीं कि आप अभी इसे परचेस कीजिए, जब कभी भी आपके पास फ्री समय होगा तभी इस क्वेश्चन पेपर को परचेस करके कंटिन्यू 3 घंटे का समय निकाल करके इसे पूरा का पूरा सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। आंसर की आपको एक दिन बाद मिलेगा, पेमेंट करने के बाद आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आता है उसको स्किप मत कीजिएगा। इसके बाद भी यदि आपको किसी प्रकार का समस्या आता है डाउनलोड करने के लिए, डाउनलोड करने में, तो आप देखिए ये डाउनलोड से संबंधित, या एक मेरे पास मैसेज आया था कि हमको लास्ट पेज क्वेश्चन पेपर में नहीं मिला, एक ही मैसेज आया था, तो आपको किसी भी प्रकार क्वेश्चन पेपर संबंधित या डाउट है या किसी क्वेश्चन में तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा कि आपको जिस भी प्रश्न में डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है या आंसर की में कोई समस्या है तो आप इसमें कर सकते हैं। आपको इसका आंसर की मिलेगा कल, फेसबुक पेज में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और आपके पर्सनल ईमेल आईडी पर भी ये पहुंचा दिया जाएगा, ठीक। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे डाउट के ऊपर। जो हमारा पिछला क्वेश्चन पेपर था उसमें कुछ डाउट्स आए थे, तो देखिए उसमें जो डाउट्स वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 13, लगभग मैंने सभी को ईमेल के थ्रू जो आपको आंसर की भेजा था उस आंसर की में मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये जो दो आपके आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 13 ये दोनों के आंसर मिसप्रिंट हो गए हैं, ठीक। देखिए इसके आंसर क्या क्या है एक बार फटाक से देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शासक छिंदक नागवंश से संबंधित था, इसका आंसर आएगा आपका डी। कौन कौन संबंधित थे, सोमेश्वर देव, कन्हार देव और आपका जयसिंह देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया, तो इसका आंसर भी मिसप्रिंट होकर के सी धमतरी ले लिया गया था, लेकिन याद रखिएगा इसका आंसर है डी, ठीक। ये दोनों मिसप्रिंट हुए थे, मैंने आपको मेल करके इसके बारे में इन्फॉर्म भी किया था और फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल में भी मैंने इसे करेक्ट करवा दिया था। इसके अलावा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बहुत लोग के कमेंट आए, इसमें कई लोग का ये डाउट था कि आपने ये पढ़ाया और ये आया। देखिए प्रश्न क्या है सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किस प्रमुख राष्ट्रीय वन उत्पाद का संग्रहण किया जाता है। ऑप्शन है हर्रा, साल बीज, महुआ बीज, तेंदुपत्ता और लाख, ये 5 ऑप्शन दिया गया था। देखिए ये जो मैंने आंसर लिया ये करेक्ट है, आप में से कुछ लोगों ने डाउट पूछा, आप लोग भी अपने जगह सही थे। क्या का उसका कारण देखिए, आप में से कई लोगों का क्या कहना था कि सर आपने पढ़ाया है कि छत्तीसगढ़ में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हर्रा, साल बीज, महुआ बीज और लाख इसका भी संग्रहण किया जाता है, क्योंकि हमने एक टॉपिक पढ़ा था छत्तीसगढ़ बजट 2018-19 में भी और एक वानिकी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ में 6 लघु वनउपज, साल बीज, महुआ बीज, चिरौंजी गुठली, हर्रा, इमली और लाख, इन 6 लघु वनउपज का छत्तीसगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य में संग्रहण किया जाता है। तो ये आप लोग भी अपने जगह सही थे, लेकिन देखिए ये एकदम एग्जैक्ट डाउट है आप लोग का, जिन्होंने भी इसे पूछा है, लगभग 2-3 कमेंट आए थे इस पर। देखिए छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किस राष्ट्रीय वन उत्पाद का संग्रहण किया जाता है, ये जो राष्ट्रीय वन उत्पाद का संग्रहण है ये आपका
मनरेगा वाले कॉन्सेप्ट से आता है। देखिए मनरेगा में क्या होता है कि 100 दिन का रोजगार जो होता है, 100 दिन का रोजगार केंद्र सरकार, 100 दिन के रोजगार में जो प्रति व्यक्ति भुगतान किया जाता है उसके व्यय का वहन केंद्र सरकार करती है। कितने दिन के लिए? 100 दिन के लिए। यदि कोई भी राज्य सरकार 100 दिन से अतिरिक्त दिवस का यदि रोजगार उपलब्ध कराती है तो उस अतिरिक्त दिवस के व्यय का वहन कौन कराता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार के ऊपर उस अतिरिक्त दिवस के व्यय का वहन आता है। 100 दिन का व्यय का वहन कौन करेगी? केंद्र सरकार। एक्स्ट्रा 50 दिन छत्तीसगढ़ सरकार देगी तो उसके व्यय का वहन कौन करेगा? राज्य सरकार। सेम कॉन्सेप्ट है आपका इसमें, ठीक। तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता का न्यूनतम समर्थन मूल्य जरूर जारी करता है आपका केंद्र सरकार, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता। छत्तीसगढ़ में जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उनकी जो आर्थिक स्थिति वो ठीक नहीं है, इस कारण से उनको बोनस के तौर पर उनका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य काफ़ी बढ़ा के दिया जाता है। जैसे अभी पिछले एक दो साल में जो केंद्र सरकार ने जो डिसाइड किया था वो तेंदुपत्ता का न्यूनतम समर्थन मूल्य था आपका 1800 रुपये, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार उसमें बढ़ोतरी करके 2500 रुपये मानक बोरा प्रदान करती है। 2500 रुपये मानक बोरा के रूप में तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रदान किया जाता है, ठीक। ये था आप लोगों का पहला डाउट जिसे मैंने क्लियर किया। दूसरा डाउट, आप लोगों ने कहा कि जो 6 लघु वन उपज है ये सारे के सारे ऑप्शन में शामिल है तो इसका क्या? देखिए प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किस प्रमुख राष्ट्रीय वन उत्पाद, राष्ट्रीय वन उत्पाद का संग्रहण किया जाता है? देखिए ये क्या है, राष्ट्रीय वन उत्पाद। हमने क्या पढ़ा है, जो 6 है, साल बीज, महुआ बीज, चिरौंजी, गुठली, हर्रा, इमली और लाल, ये 6 है ये आपके 6 लघु वन उत्पाद है। ये क्या पूछा है, राष्ट्रीय वन उत्पाद। तेंदुपत्ता, साल, सागौन, साल सागौन के जो वृक्ष होते हैं, जो इमारती लकड़ी वाले जो वृक्ष होते हैं, ये तेंदुपत्ता ये आपके राष्ट्रीय वन उत्पाद में काउंट होते हैं। और वो जो है आपका साल बीज, महुआ बीज, चिरौंजी गुठली, हर्रा, इमली और लाख, जो 6 लघु वन उपज है वो आपके लघु वन उपज है, ठीक। राष्ट्रीय वन उपज और लघु वन उपज में जमीन आसमान का अंतर है, इसे समझ लीजिएगा। आप में से जिनका भी डाउट था कि ये सभी के सभी ऑप्शन में दिया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य या छत्तीसगढ़ में संग्रहण किया जाता है, आप में से कई मैसेज आए थे, तो वो जो है ये आपके लघु वन उपज है। प्रश्न के में क्या पूछा है, प्रमुख राष्ट्रीय वन उत्पाद कौन सा है जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य में संग्रहण किया जाता है, तो कौन सा है आपका, तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता आपका राष्ट्रीय वन उत्पाद है, जो हमने पढ़ा है बजट 2018-19 वाले वीडियो में और इससे पहले वानिकी वाले जो इकोनॉमिक वाले पोर्शन में जो हम वानिकी वाला टॉपिक पढ़े थे उसमें जो पढ़ा है वो आपका लघु वन उत्पाद है, ठीक। तो तेंदुपत्ता एक राष्ट्रीय वन उत्पाद है जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार डिसाइड करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अतिरिक्त वहन के साथ, अतिरिक्त व्यय के वहन के साथ आपका यहां पर बोनस के साथ इंक्लूड करके इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य का वितरण करती है, ठीक। तो ये इसका आंसर करेक्ट है। एक और क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी छत्तीसगढ़ के साहित्यकार और उनकी कृतियों से सुमेलित कृतियां सुमेलित है, क्वेश्चन नंबर 60 था ये, ठीक। इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं विलोपित, इससे आप में से किसी का भी डाउट नहीं आया, बस एक हमारे ही सब्सक्राइबर ने इसका क्वेश्चन पूछा था तो उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सर्च किया। ये प्रश्न एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, CGPSC माइनिंग इंस्पेक्टर 2010 में भी ये प्रश्न आया है, CGPSC प्री 2013 में भी ये सेम प्रश्न आया है, लेकिन दोनों प्रश्न में इसमें आप यदि देखेंगे उठा करके इसे सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कंफ्यूजन है। देखिए इसमें क्या दिया है, लखनलाल गुप्ता, मोंगरा, कृष्ण कुमार शर्मा, चंदा अमृत बरसाइज, केयूर भूषण, फुटाह गरम, शिवशंकर शुक्ल, छेरछेरा और उपरोक्त में सभी सुमेलित है। तो देखिए इसमें मेन जो है आपका केयूर भूषण फुटाहकरम, मैंने जो इसका आंसर लिया है केयूर भूषण फुटाहकरम। CGPSC माइनिंग इंस्पेक्टर में जो केयूर भूषण का जो फुटाहकरम है ये आंसर लिया गया था, ठीक। लेकिन सेम प्रश्न जब CGPSC प्री 2013 में पूछा गया तो इसका आंसर दूसरा लिया गया। देखिए बताता हूँ, ये देखिए ये आपका इंटरफेस ओपन हुआ है, इसमें क्या दिया है आपका प्रश्न में क्या है, प्रश्न में दिया गया है, सही आंसर लिया गया है कि केयूर भूषण की रचना क्या है, फुटाहकरम। लेकिन देखिए जो आपका छत्तीसगढ़ समग्र की बुक है, छत्तीसगढ़ समग्र की बुक पेज नंबर 657 में देखिए पॉइंट नंबर फाइव क्या लिखा हुआ है, जो आपका फुटाहकरम है, फुटाहकरम 1971 में इसके रचनाकार है ठाकुर हृदय सिंह चौहान।
फुटहा कर्म के रचनाकार कौन है? ठाकुर हृदय सिंह चौहान। जबकि कुल के मरजात के रचनाकार कौन है? केयूर भूषण। ये जो आप अभी जो प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 60, ये आपका सीजीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर 2010 में पूछा गया था तथा इसका आंसर लिया गया था केयूर भूषण, जिनकी रचना है आपका फुटहा करम। ठीक, केयूर भूषण जी की रचना क्या लिया गया? आंसर फुटहा करम। लेकिन यदि आप छत्तीसगढ़ समग्र के बुक में देखेंगे तो देखिए इसमें फुटहा करम के रचनाकार कौन है? ठाकुर हृदय सिंह चौहान। इसके अलावा सीजीपीएससी प्री 2013 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इस प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित, जैसे ये प्रश्न जो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 60 सुमेलित है, उसमें प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो उसमें दो तीन ऑप्शन दिए थे। सेम ऑप्शन था केयूर भूषण की रचना क्या है? फुटहा करम, जो कि सुमेलित था। चौथा ऑप्शन था कृष्ण कुमार शर्मा, जिनकी रचना क्या था? कुल के मरजात, वो भी सुमेलित था। पांचवा ऑप्शन उसमें सुमेलित नहीं था, हृदय सिंह चौहान, जिनकी रचना उसमें दिया गया था भोजली। हृदय सिंह चौहान की रचना भोजली उसमें ऑप्शन में दिया गया था, जो कि सुमेलित नहीं था। और पीएससी ने सीजीपीएससी प्री 2013 में उसका आंसर करेक्ट लिया गया, कौन सा सुमेलित नहीं है? हृदय सिंह चौहान की रचना भोजली सुमेलित नहीं है। लेकिन सुमेलित है में कौन कौन सा ऑप्शन रखा उसने? आपके केयूर भूषण की रचना फुटहा करम तथा कृष्ण कुमार शर्मा की रचना कुल के मरजात। लेकिन यदि आप इस छत्तीसगढ़ समग्र वाले इसमें देखेंगे तो पांचवें नंबर पर दिया है फुटहा करम के रचनाकार कौन है? ठाकुर हृदय सिंह चौहान। जबकि छठवां नंबर कुल के मरजात के रचनाकार इसमें क्या दिया हुआ है? केयूर भूषण। तो इसी कारण से मैंने इस प्रश्न को विलोपित कर दिया है। यदि यह प्रश्न देखिए ऑलरेडी एग्जाम में दो बार आ चुका है, यदि यह प्रश्न आता है एग्जाम में तो आप अपने स्वविवेक के आधार पर इसका करेक्ट आंसर लगाइएगा। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट लगाइएगा। सोर्स छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ एकेडमी का जो छत्तीसगढ़ समग्र का जो इस बार वाला एडिशन है उसके पेज नंबर 657 में ये दिया हुआ है। और पीएससी ने इसका दो बार आंसर आपका ले रखा है केयूर भूषण की रचना फुटहा करम, जबकि आप देख रहे हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, इसलिए मैंने इसे विलोपित कर दिया। ठीक, तो ये थे आप लोगों के डाउट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था खनन उत्खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये खनन उत्खनन वाला आपको ये इकोनॉमिक सर्वे में इसके दो तीन प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया था इसका, देखिए ये जो खनन उत्खनन है ये आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये आपका खनन उत्खनन आता है। देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको द्वितीयक क्षेत्र बताया था, मैं भी इसे प्राथमिक क्षेत्र पढ़ा है, लेकिन क्या है व्यापम ने अभी पिछले साल ही हुए आपका एक एग्जाम हुआ था उसमें इसने खनन और उत्खनन को इसने द्वितीयक क्षेत्र लिया था, मॉडल आंसर में लिया था, भले इसको बाद में चेंज कर दिया था, उसे कई एक्सप्लेनेशन मेरे को देखने के लिए मिले थे, जिसके कारण क्या है यदि आप इसका जो हमारा अध्याय तीन में जो टेबल बने हुए हैं आर्थिक सर्वेक्षण वाले में, उस टेबल को यदि खोल के देखेंगे तो खनन उत्खनन वाले को वो द्वितीयक क्षेत्र में काउंट कर करके मेरे को लगा कि हो सकता है ये द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा हो। लेकिन याद रखिएगा जो भी चीजें हमें प्राकृतिक से डायरेक्ट प्राप्त होती है, जैसे कृषि उपज हो गए है ना, वैसे ही खनन जो भी आपके खनिज है उसे हम डायरेक्ट खोद करके प्रकृति से जिन चीजों को हम डायरेक्ट प्राप्त करते हैं उन सभी को आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ठीक, बाकी ये जो खनन उत्खनन है ये आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपको इस क्वेश्चन पेपर में दो तीन जगह देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा भी यदि किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में यदि किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप किसी भी प्रकार की समस्या के लिए इसमें एक व्हाट्सअप मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन व्हाट्सअप मैसेज ही कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ठीक, चलिए तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।